हाय गाइस, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ किंगडम एनिमेलिया। दोस्तों, हम अभी तक बहुत सारे फाइलम कवर कर चुके हैं, सभी के सभी फाइलम कर रहे। हम लास्ट फाइलम में आ गए थे, इसका नाम था कॉर्डाटा। उसके अंदर दोस्तों हम सुपर क्लास देख रहे थे। सुपर क्लास के अंदर हमने दो पहले ही देख चुके हैं, अभी नेक्स्ट सुपर क्लास की तरफ बढ़ रहे। इसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर हमको इधर से इस क्लास से लेकर अब तक के आगे वाले सभी क्लास में अपने जाने माने बहुत सारे जाने माने दोस्त थे अपने पास। इसका मतलब है एम्फीबिया ले लो दोस्तों, रेप्टालिया, एव्स ले लो दोस्तों, मैमेलिया, वो चार भी क्लास जो भी है दोस्तों, ये अपने आजू बाजू रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है दोस्तों। समझ में आ गई बात? तो एम्फीबिया के बारे में बात अगर करनी चाहे तो दोस्तों बहुत सारे इसके अंदर एनिमल्स आते हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं दोस्तों एम्फीबिया के अंदर। एम्फीबिया का मतलब क्या है दोस्तों? ड्यूअल लाइफ। ड्यूअल लाइफ का मतलब क्या है दोस्तों? वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। पानी के बाहर मतलब दोस्तों टेरिस्ट्रियल, जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर भी उतना रह सकता है कंफर्टेबली और बाहर भी रह सकता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों एम्फीबिया बोलते हैं। उसको बोलते हैं एम्फीबिया, ड्यूअल लाइफ बोलते हैं। तुमको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम किसे किसको बोला जाता है? कमेंट में आंसर लिखना चाहिए दोस्तों, सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना। किसको हम एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क, कमेंट योर आंसर। हम आंसर नहीं बता सकते क्योंकि वो आपकी चॉइस है, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये क्या है दोस्तों? एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल, ये पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं दोस्तों, ठीक है, दोनों तरफ रहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ रहते हैं एम्फीबिया, पानी के अंदर भी पानी के बाहर भी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इनके पास टू पेयर्स ऑफ लिम्स है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? किसी किसी के पास है, किसी के पास नहीं। टू पेयर्स ऑफ लिम्स आगे के दो हाथ जैसे स्ट्रक्चर है और पीछे वाले भी दो हाथ जैसे स्ट्रक्चर है। जैसे कि क्रोकोडाइल हमने देख सकते हैं, उनको आगे दो हाथ है और पीछे दो हाथ है, ठीक है, इसलिए हम उसको टू पेयर्स ऑफ लिम्स बोलेंगे। और तुम और बात जाओ तो फ्रॉग देख सकते हो, तुम फ्रॉग को भी आगे दो हाथ है और पीछे भी दो पैर है, ऐसे स्ट्रक्चर अपने पास है दोस्तों, इसलिए हमको टू पेयर्स ऑफ लिम्स बोलते हैं। बॉडी है दोस्तों, बॉडी के साथ हेड है, ट्रंक है। हेड मतलब ऊपर वाला हिस्सा, जो भी हम उसको मुंडी बोलते हैं ना, मुंडी को हेड बोलते हैं। और जो भी बीच वाला हिस्सा है वो ट्रंक है। टेल किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जैसे हमको अगर क्रोकोडाइल देखना चाहे, तुम क्रोकोडाइल के पास टेल है लेकिन फ्रॉग के पास टेल नहीं है, इसलिए टेल इज प्रेजेंट इन सम एनिमल्स। क्या है दोस्तों? टेल मे बी प्रेजेंट इन सम। इनकी स्किन जो दोस्तों मॉइस्ट स्किन रहती है, इसके पास स्केल्स नहीं है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि जो भी पीसेस है दोस्तों, पीसेस मतलब मछलियाँ, जो भी है मछलियाँ के पास स्केल्स रहते हैं जो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे स्केल्स ऐसे मौजूद नहीं है क्योंकि ये पानी में ज़्यादा नहीं रहते हैं, बाहर भी रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसकी बॉडी सॉफ्ट रहती है और मॉइस्ट रहती है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, इसलिए हम इसको पोकियोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ गई बात? इनके पास टिम्पैनम रहता है दोस्तों, इनके पास ईयर एक्चुअली ईयर नहीं रहता है लेकिन ईयर जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर मौजूद रहता है, इसलिए हम इसको टिम्पैनम मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों टिम्पैनम बोलते हैं? टिम्पैनम क्या है दोस्तों? आपने ह्यूमन ईयर, अगर तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर अगर पढ़ने जाओ, उसके अंदर ह्यूमन ईयर का बहुत सारा स्टडी दिया गया है, सबसे लास्ट पेज के अंदर। उधर टिम्पैनम मेम्ब्रेन ऐसा वर्ड है दोस्तों, जो भी मिडल ईयर और अंदर जो भी है वो अटैच करता है, ठीक है। तो वो उसी जैसे स्ट्रक्चर कैसा है, इनके पास है टिम्पैनम है, इसीलिए ये ईयर के जैसा काम करता है। ईयर तो नहीं है लेकिन टिम्पैनम उनके पास रहता है। एलिमेंट्री कैनाल दोस्तों, उनका खाने का जो भी सिस्टम है वो। यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं जिसको हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, किडनी वगैरह वगैरह। उसके साथ ही दोस्तों रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट,
एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर जो भी यूरिनरी सिस्टम है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तीनों भी जो भी है दोस्तों सेपरेट इनका सिस्टम नहीं है, इन तीनों का ही एक कॉमन चैम्बर है, जिस चैम्बर को हम क्लोका बोलते हैं। जैसे क्लोका बोलो, क्लोसा बोलो, तुमको जो बोलना है वो बोल सकते हो। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इन टू कॉमन चैम्बर, दैट बी कॉल्ड एज अ क्लोका। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लोका बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों इनके पास रेस्पिरेशन जो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। रेस्पिरेशन करते हैं जो गिल्स से कर सकते हैं, अगर पानी में रहना पसंद करते हैं, अगर पानी के अंदर है तो गिल्स से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में लंग से भी रेस्पिरेशन करते हैं, इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं दोस्तों। अगर कोई कोई स्किन से भी करता है, अभी गिल्स के गिल्स से कैसे करते हैं दोस्तों? गिल्स से रेस्पिरेशन पानी के अंदर अगर ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो गिल से करता है। अगर टेरिस्टियल मतलब जमीन के ऊपर रहता है तो लंग्स करते हैं। अगर जमीन के अंदर धस जाए, जैसे कि फ्रॉग दिखते हैं हमको, बारिश का मौसम है अभी दोस्तों, बारिश के मौसम में सभी फ्रॉग जो वाले दो भी सभी दोस्त क्या है बाहर आते हैं, और बाहर आके हमको देखने को मिलता है दोस्तों कि वो लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, और कुछ कुछ फ्रॉग्स पानी के अंदर भी रहते हो वो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन दोस्तों तुम अगर समर सीजन की बात करते जाओ तो समर सीजन में तुमको कभी भी ज़्यादा तरीके से फ्रॉग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर रहना पसंद करते हैं दोस्तों। इसलिए वो अगर ज़मीन के अंदर रहते हैं तो वो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं दोस्तों, इसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर गिल से कर रहा है तो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, लंग से कर रहा है रेस्पिरेशन तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे, अगर स्किन से कर रहा है तो उनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। इनका हार्ट तीन चैम्बर का है दोस्तों, ऊपर दो चैम्बर है और नीचे एक चैम्बर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। हम आगे सर्कुलेशन चैप्टर में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, यहाँ पे याद रखो इनके पास दो चैम्बर ऊपर है, इनका नाम है आर्टेरिया, दो आर्टेरिया है इनके पास, और एक क्या है अपने पास, इनके पास वेंट्रिकल है दोस्तों, इससे इन्हें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन करते हैं। एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसको हम इसको पोकियोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं, जिनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। सेक्सेस सेपरेट है दोस्तों, मेल फ्रॉग अलग है, फीमेल फ्रॉग अलग है, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है दोस्तों। इनका फर्टिलाइजेशन जो दोस्तों है एक्सटर्नल है, इसका मतलब क्या है? पानी के अंदर उन्होंने एग्स देना चाहिए, मेल स्पर्म पानी के अंदर छोड़ना चाहिए, फीमेल एग्स पानी के अंदर छोड़ना चाहिए, दोनों मिलके जायगोट बनते हैं, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब बॉडी के बाहर होने वाली फर्टिलाइजेशन। ओविपेरस है, मतलब एग्स देने वाले हैं सभी। उनके बाद डेवलपमेंट जो दोस्तों है वो इनडायरेक्ट है, इसका मतलब क्या है? लार्वल कंडीशन इसके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, डायरेक्ट फीमेल के बॉडी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा चाहिए, ये सब पानी के अंदर इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब इनके पास लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट है दोस्तों। ये हो गया पूरा चैप्टर का पूरा लाइंस एनसीईआरटी के समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तुमको हर एक लाइंस में समझा चुका हूँ, पूरा का पूरा एक बार रिविजन देता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो एम्फीबियंस का मतलब ड्यूअल लाइफ है, ये पानी के अंदर भी रहना पसंद करते हैं और पानी के बाहर भी दोस्तों, इसलिए इनको एम्फीबिया बोलते हैं। ये फर्स्ट लाइन क्या दी है दोस्तों? एक्वाटिक प्लस टेरिस्ट्रियल, दोनों में रहते हैं। दूसरी बात दोस्तों क्या है अपने पास? दो पेयर्स ऑफ लिम्ब्स है दोस्तों, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स मतलब दो हाथ आगे दो पैर पीछे। इनके पास दोस्तों क्या है? बॉडी, हेड, ट्रंक है, टेल किसी के पास है किसी के पास नहीं है, मे बी प्रेजेंट और ऑब्सेंट दोस्तों। उनके बाद में दोस्तों मॉइस्ट स्किन है, इसके पास स्केल्स मौजूद नहीं है, और दोस्तों इनके पास ईयर नहीं है लेकिन टिम्पैनम मेम्ब्रेन है इसके पास। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों भी एक कॉमन चैम्बर में खुले होते हैं, जो भी खुलते हैं उनको हम क्लोका बोलते हैं दोस्तों। इनका जो भी है गिल्स रेस्पिरेशन गिल से भी होता है, लंग से भी होता है, स्किन से भी होता है, हर्ट तीन चैम्बर का है, दो नाट्रिया और एक वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, इसको हम पोकियोथर्मिक बोलेंगे। सक्सेस आर सेपरेट, हमको इसको हर्मोफ्रोडाइट वर्ड यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बफो का नाम टोड है दोस्तों, टोड का हम बोल सकते हैं कि जैसे कि फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर है, जस्ट सिमिलर टू फ्रॉग है दोस्तों, इसको हम टोड बोलते हैं। फ्रॉग का नाम राना राना है, इसको हम फ्रॉग बोलते हैं दोस्तों, राना बहुत इस पे अच्छा प्यारा नाम है। हाइला को हम ट्री फ्रॉग बोलते हैं, जो पेड़ के ऊपर ग्रीन कलर की जैसे फ्रॉग रहती है उसको हम
हाइला बोलते हैं। सैलामेंडर भी है दोस्तों, सैलामेंडर बहुत ही अच्छे तरीके से है। इनके पास और क्या दोस्तों, इक्टियोपाइलिस है, उसको लिम्बलेस एम्फीबियंस बोलते हैं। इनके पास लिम्ब नहीं है, हाथ और पैर कुछ भी नहीं है। इनके अंदर और एक आता है दोस्तों क्रोकोडाइल, क्या था दोस्तों क्रोकोडाइल आता है, क्रोकोडाइल भी। लेकिन क्रोकोडाइल के पास एक इंपॉर्टेंट बात है, इनके पास फोर चेम्बर्ड हार्ट रहता है। क्या दोस्तों, फोर चेम्बर्ड हार्ट रहता है। ये एम्फीबियंस है लेकिन इनके पास फोर चेम्बर्ड हार्ट है। इसी के साथ दोस्तों आज की कहानी यह भी समाप्त करता हूँ मैं। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए सभी बातें। अगर वीडियो समझ में आ रही दोस्तों, बातें कुछ समझ में आ रही है तो लाइक कर देना। इस वीडियो को हर एक नीट एस्पिरेंट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। यह दोस्तों इसकी आगे वाली कहानी हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, एम्फीबिया क्या है क्या नहीं है। अगर पॉसिबल हुआ तो एनिमेशन डाल दूंगा मैं, अगर पॉसिबल नहीं दोस्तों तो तुम समझ लेना, क्योंकि जितना डिफिकल्ट फाइलम मैं पढ़ाया हूँ उनके एनिमेशन, सभी के सभी एनिमेशन मौजूद है, लेकिन किसी किसी के एनिमेशन नहीं मिलते हैं। इसलिए कोई बात नहीं है, वो तुम खुद से समझने की ट्राई करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।